कोई से रास्ते से निकलो, बस ये हॉल ही हॉल मिलते हैं चारों तरफ, और कुछ ही नहीं है यहाँ देखने के लिए। आजा, आवाज और गूंज रही है तो बहुत तेज। ये क्या है मनीष? ओ ये क्या है? ये रास्ता कहाँ जा रहा है? सिटिया चल। कितनी अच्छी जगह है। अरे हटना एक बार, यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये क्या है, कैद खाना? रास्ता ये क्या, कैद खाना नहीं है ये? नीचे इतना अच्छा गार्डन है। मुझे टाटा स्काई की छतरी लग रही है। राजा महाराजा टीवी देखते थे क्या? हम यहाँ आए थे जब धूप हो रही थी और कोई भी नहीं था, और जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना, वैसे वैसे पब्लिक आ ही जा रही है, तो अब ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे। होएगा जा और ये देखिए कवच वगैरह, ये देखिए तोप, शस्त्र, खुलाड़ी, टांचे, पता नहीं क्या क्या है। ये 3D मॉडल है इस महल का। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो दिखाया था ना कि हाँ भाई यहाँ तोप बनती थी, देखो उसका 3D नक्शा है ये गाइस। ये देखिए, ये तलवार, भाले और क्या बोलते हैं ये सिर पे पहनने वाले, नागिन तोप। इस तोप का नाम है नागिन तोप। ये वाली तलवार देखो कितनी तगड़ी तगड़ी तलवार है। और ये शिव बाण है, वो राम बाण है। तो गाइस ये वो औजार हैं जो छुपा के रखते थे अपने अपने हाथ पैरों में वगैरह छुपा के रखते थे, मतलब कोई अनहोनी हो जाती थी उनके साथ में तो अचानक से हमला वगैरह करने के लिए ये वो जूते में छुपा लेते थे और कहीं भी छुपा लेते थे इन। और ये जो पहले बम चलते थे ना, वो है ये।
है महाराजा भवानी सिंह। महावीर महावीर चक्कर मिला था उन्हें। महाराजा सवाई सिंह ब्रिगेडियर थे। ये उनके कपड़े हैं, ये उनके मेडल है जो उनको मेडल मिले थे। ये क्वीन एलिजाबेथ है, सेकंड है सवाई मान सिंह। और ये उनके अवार्ड्स हैं, सवाई मान सिंह द्वितीय है। ये उनकी वाइफ है। अब आपको दिखाएंगे विश्व की सबसे बड़ी तोप, जयबाण तोप। वहां ऊपर है जयबाण तोप। तो गाइस ये है विश्व की सबसे बड़ी तोप, जयबाण तोप। सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी ये 1720 में। ये जयगढ़ के कारखाने में बनी हुई तोप है। इसकी जो ये नाल है ना, इसकी लंबाई है 20 फीट की और गोलाई 8 फीट की है। तोप का वजन 50 टन है और तोप को एक बार चलाने के लिए इसमें 100 किलो बारूद भरा जाता है। और ये इसका गोला करीबन नहीं तो 22 मील तक जाता है। पीछे जो ये सपोर्ट के लिए टायर लगा रखे हैं, ये ही काफ़ी बड़े टायर हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े टायर हैं ये। और जो इसके आगे के ये पहिए हैं, ये 9 फिट ऊँचे हैं और 1 फिट चौड़े हैं। ऐसे ही नहीं है ये विश्व की सबसे बड़ी तोप, रियलिटी में बहुत ही बड़ी तोप है। कैमरे में तब पता नहीं चलता कि हाँ भाई ये कितनी बड़ी है। आप सामने से देखेंगे जब ही आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये कितनी बड़ी है। रियलिटी में बहुत बड़ी तोप है ये। इतनी खास डिटेल मेरे को भी पता नहीं है तोप के बारे में। अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ लेना। इसमें पूरी डिटेल है, कब क्या हुआ था, किसने बनवाई थी, कितने किलो का है सब। अब आए हैं जयगढ़ की तोप वगैरह देख के और अब जाएंगे नारगढ़। फिर नारगढ़ देखने के बाद में फिर चलेंगे जलमहल और थक गए यार चलते चलते, पैर दुखने लग गए। सबसे ज़्यादा हालत तो मनीष की ख़राब हो गई हमारे की। बेचारे भैया हमारे, इससे चला ही नहीं जा रहा। तबीयत ख़राब थी इसकी, दो दिन से हॉस्पिटल में था। तो फिर मैंने कहा था इससे मैं, कोई बात नहीं यार मनीष ले चलते हैं, आ जा घूम आएंगे। तो जब रिक्वेस्ट करने के बाद में आए मनीष, बट अब इसकी तबीयत सही नहीं है, इसे चला नहीं जा रहा। तो गाइज अब पहुंच चुके हैं जलमहल और बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो घर से खाना वगैरह लेके आए थे। तो अब जलमहल यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे जलमहल अच्छे से। पहले खाना खा लेते हैं। अब हो गए हैं खाना खा के फ्री और पीछे है एयरफोर्स स्टेशन। अब है जलमहल पे और पापा मम्मी वगैरह कुछ ले रहे हैं। बारिश आ गई तो सब अपने अपने जो मतलब दुकानें लगा के बैठे रहते थे वो तिरपाल से ढक दिए, मतलब पूरा जो मार्केट था वो मार्केट ख़त्म हो गया। और अब बारिश में मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तो फ़ोन वाटरप्रूफ था ही नहीं, ये ख़राब हो जाएगा। तो देखते हैं बारिश रुकती है तो फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। जब मैं खड़ा हूँ अभी किनारे पे और पीछे आपको दिख रहा होगा जलमहल है। पहले पानी कम था, अभी बारिश के कारण पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है। तो ऐसे बोलते हैं जलमहल के बारे में कि ये 7 मंजिल का है और इसमें ऊपर कितनी मंजिल दिखती है, 2 मंजिल दिखती है, यानी कि 5 मंजिल नीचे डूबी हुई है। तब क्या पता सच है या झूठ है, मैंने तो कभी देखी नहीं, मैंने तो हमेशा ये 2 मंजिल दिखी है ऊपर। मेरा मास्क।
तो गाइज हम दोनों बैठे हैं और मम्मी पापा वगैरह सब शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बरसात आ रही है, ऊपर से बैटरी 5% बची है फ़ोन की, तो देखते हैं कितनी देर ब्लॉग कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जैसा भी है फिर घर जाके मिलेंगे आपसे, नहीं तो ब्लॉग कंटिन्यू हुआ तो आपसे यहीं और कुछ दिखाएंगे अच्छी चीज़। मनीष खींच रहा है फ़ोटो और फ़ोन में ऑलमोस्ट 2% बैटरी बची है, तो अब तो आपसे मिलेंगे घर पर सीधे। रात को पहुंचने में बहुत लेट हो गए थे, 8 या 9 बज गए थे, तो फ़ोन में थी नहीं बैटरी, तो मैंने फ़ोन लगा दिया था चार्ज और खाना खाने के बाद मैं तुरंत सो गया था। बहुत तेज़ नींद आने लग गई थी, थकावट हो गई थी। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अब मिलेंगे नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।